हेलो फ्रेंड्स, चैनल अर्बन लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं और इन सर्दियों के मौसम में बेहद लाभकारी हैं, क्योंकि इन लड्डू में ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया गया है जो जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है, रक्तवर्धक भी है और बीमारी से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म किया है। ध्यान रखिएगा कि पैन आपका थोड़ा सा मोटी पेंदी का होना चाहिए। अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच देसी घी, और इसके बाद जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे गोंद, जो कि छोटे छोटे पीसेस में है। अगर बड़ा हो तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये ऑलरेडी छोटा है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डाला है, और इसको बहुत ही लो फ्लेम में करना है, क्योंकि ये ऊपर से तो आपको सेका हुआ दिखेगा लेकिन अगर तेज़ आंच में करेंगे तो आपको ये कच्चा रह जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए धीमी आंच में ये कितने पफ्ड अप हो करके निकल आए हैं। तो हमारे गोंद तल करके तैयार हैं। मैंने आधी कटोरी गोंद लिया था, लगभग 50 ग्राम गोंद। ये देखिए, इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसको आप हाथों से दबाएंगे तो ये क्रंच हो जाएंगे। इसके बाद मैंने उसी पैन में काजू और बादाम डाले हैं। करीब 20 से 25 काजू हैं और 12-15 करीब आपके ये बादाम और काजू दोनों अलग अलग हैं। इनको हमने धीरे धीरे रोस्ट कर लिया है, और जब ये हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तब हम समझेंगे कि ये हो गए हैं। बहुत तेज़ आंच में अगर करेंगे फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और खाते समय कड़वाहट सी आएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने उसी सेम पैन में अपने इन मखानों को ले लिया है, और इनको भी धीमी आंच में ही हम रोस्ट करेंगे। देखिए ये कलर चेंज होने लगा है। ये देखिए मखाने भी परफेक्ट हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, उसी पैन में हमने जो ये खसखस होती है, ये करीब आधी कप खसखस ली है मैंने। ये आधी कप मीन्स 5 से 6 चम्मच करीब ली है, और इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में हमको रोस्ट करना है। ये भी करीब 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी, देखिए कलर हल्का सा चेंज हो गया है, इसकी पहचान यही है। और इसको मैंने अलग बर्तन में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में है तो कहीं इधर उधर फैल ना जाए, इसलिए मैंने इसको एक अलग बर्तन में रखा है। फ्रेंड्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक थाली में इकट्ठा करते जाएंगे। अब उसी सेम पैन में हमने ये लिए हैं करीब 2 से 3 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं, और इनको भी धीमी धीमी आंच में मैंने रोस्ट कर लिया है। ये देखिए इनका भी हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। अब इस कंडीशन में हमने ये नारियल का बुरादा ऐड किया है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप इसको इसके जगह कद्दूकस करके भी नारियल डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे तैयार होते चल रहे हैं, और अब इन्हीं को हम मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके पीसते चलेंगे। सबसे पहले मैंने मखानों को हल्का सा पीस लिया है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए ये मखाने हमारे पीस करके तैयार हो गए हैं, और उसी मिक्सी जार में मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा दरदरा पीस लिया है। ये आप स्टार्ट स्टॉप करके पूरा एक साथ मत चलाइएगा, नहीं तो पाउडर ही बन जाएगा। इसका जो आधा दरदरा पीसेगा तो एक क्रंच सा आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इन गोंद के जो हमने गोंद को सेका था, इसको हमें मिक्सी के जार में नहीं पीसना है। इस तरीके का यदि आपके पास मैशर हो तो मैशर ले सकते हैं, नहीं तो आप जो एक कटोरी आती है, किसी भी कटोरी से भी आप इसको प्रेस कर करके पीस सकते हैं इस तरीके से। और चूंकि ये ऑलरेडी क्रंची हैं पहले से, तो ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में ऐसे ही पीसते पीसते देखिए कितना परफेक्ट ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है, और यही क्रंच हमारे लड्डू का मेन स्वाद बढ़ाएगा। अब हमने उसी पैन में फिर से देसी घी लिया है, करीब 1 से 1.5 चम्मच, और इसमें मैं डालने जा रही हूँ ये सौंठ का पाउडर। ये मैंने 2 से 3 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, सौंठ का पाउडर जोड़ों के दर्द में बेहद लाभकारी है, क्योंकि ये गर्म प्रकृति का होता है। ये ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। ये अदरक को सुखा करके बनाया जाता है, और ये देखिए इस तरीके का जब ये हो जाएगा
ये पूरा सोट मैंने इस तरीके, अब इसमें हम 2 चम्मच करीब मैंने हल्दी भी ऐड की है। ये सारी फ्रेंड सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। और सर्दियों में एक प्रतिदिन लड्डू लेने से आपको सर्दी बिल्कुल कोसों दूर भाग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने इसी सेम पैन में फिर से देसी घी थोड़ा सा डाला, 1 से 2 चम्मच। और अब इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालने जा रही हूँ जो कि अक्सर हलवाई लोग प्रयोग करते हैं और हर मिठाई में प्रायः प्रयोग करते हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसको 2 चम्मच करीब बेसन यानी लिया है, इसको हल्का सा धीमी आंच पर भून लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल भी आ रही है। और जब ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भून करके तैयार हो गया है। अब इसको बेसन को हम लोग एक साइड कर लेंगे बिल्कुल, और इसमें थोड़ी सी जगह बनाते हुए थोड़ा सा इसमें देसी घी डालेंगे, करीब 1 से 2 चम्मच देसी घी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और पूरी रेसिपी में 3/4 कप या 3/4 कप घी लगा है, मैं बार बार 2-2 चम्मच करके डाल रही हूँ। और इसी देसी घी में मैंने अब इसमें डाल लिया है करीब 250 ग्राम करीब आटा मैंने डाल लिया है, वही आटा जिससे आप रोटियां बनाते हैं, रोटी पराठे जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही आटा मैंने डाला है। अब इसको बिल्कुल धीमे 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 हम लोग रोस्ट करते रहेंगे। जैसे पंजीरी बनाते समय जो स्मेल आती है, जब वो स्मेल आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका आटा भून करके बिल्कुल तैयार है। देखिए कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल ये रेडी है हमारा, ये आटा और बेसन मिल करके। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक अलग थाली या परात में जिसमें हमको सारी चीज़ें मिक्सअप करनी है। देखिए ये हमारा आटा मिक्सअप हो गया और सारी चीज़ों को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अब हम फाइनल स्टेज की ओर चल रहे हैं। इसमें मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला है, ये है गुड़। गुड़ हमारे शरीर को जो कि गर्म भी रखता है और सर्दियों में बहुत जल्दी सर्दी भी नहीं लगती है, तो गुड़ की जगह अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी को नहीं लिया है। इस गुड़ को जब तक चलिए ये तैयार हो रहा है तब तक हम अपने मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक थाली में ये है आटा और ये जो मखाने आदि थे मैंने उन सबको भी पीस लिया है। ये मेरी खसखस थी, ये इसको भी मैंने पीस लिया। इधर देखिए गुड़ तैयार हो गया है। जब इसमें हल्का सा फेना आने लगे तो समझ लीजिए गुड़ तैयार हो गया। इसमें पाक सा नहीं बनाना है, ना ही कोई चाशनी बनानी है गुड़। अब ये सारे इनको सा मैंने मिक्स कर लिया है जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे और फाइनली इसमें ये जो मिक्सचर था ये देखिए सब ऐड कर लिया है। इनको हाथ से मसल लेंगे। ये गुड़ का पाउडर भी ऐड कर लिया है, ये गोंद ऐड कर लिया है, इसके पहले ऐड किया था वो मखाने थे। ये बस सबको धीमे धीमे हम पूरा ऐड कर लेंगे। और ये इसमें इस कंडीशन में मैंने गुड़ में थोड़ा सा ऐड किया था 1 चम्मच देसी घी और इलायची पाउडर भी ऐड किया था। अब इसी गर्म जो पाक बना है या जो गुड़ का सिरप बना है उसमें हम इस सारे मिक्सचर को डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्सअप करते चलेंगे। फ्रेंड्स गैस मैंने बंद कर दी है इस समय क्योंकि ये नीचे से जलने का भी डर है। फ्रेंड्स अब ये पूरा मिक्सचर हमारा बहुत ही अच्छे से परफेक्टली ब्लेंड हो गया है और ये बिल्कुल बनने के लिए तैयार है लड्डू। तो चलिए धीरे धीरे इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। 2 से 3 मिनट ठंडा होने के बाद अब हम इसको लड्डू बनाने के लिए अगले स्टेप पे चलते हैं। ये देखिए करीब ये लेमन साइज़ नींबू के आकार के लड्डू हम हाथ से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और आज ही ट्राई करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके। मोस्टली ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे भी घर में, तो धीरे धीरे लड्डू बनते जा रहे हैं, मैं एक एक करके ऐड करती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ये हमारे परफेक्ट लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हैं, इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू और गोंद के लड्डू हैं। ये सर्दियों में बेहद लाभकारी हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। ये रेसिपी मेरी कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और ये लड्डू कैसे हैं आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा भी। फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ
स्टे हेल्दी, बाय बाय।